एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अबाउट द मसल्स बात किया था कि मसल में किस तरीके के जोन्स होते हैं, किस तरीके से चीजें एक्ट करती हैं और किस तरीके से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो ये जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। अब ये स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पहली बात तो सबके वो पता होने चाहिए कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइन, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है आपकी बॉडी में वो बहुत सारे कैटेगरीज में होती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे बेटा पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले ऐसे प्रोटीन जो मसल में हो और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करे। वैसे ही आपने पढ़ा होगा एंजाइमेटिक प्रोटीन, है ना, कि जितने बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा हेयर प्रोटीन, नेल प्रोटीन, है ना। तो डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं प्रोटीन के, बट आज हमको जिस प्रोटीन के बारे में डिटेल में पढ़ना है दैट इज बेसिकली द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दैट वी हैव टू डेल्ट इन डिटेल। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगर आप बढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पहली बात तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिन आपका, जिसको हम लोग लाइट चेन या लाइट वेट प्रोटीन भी बोलते हैं। दूसरा होता है मायोसिन। मायोसिन क्या होता है, हैवी चेन या डार्क चेन प्रोटीन। हैवी होगी, किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपको डार्क ही दिखेगा। ऑलराइट, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको मैं बात करूं तो सबसे पहले हम एक्टिन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मायोसिन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। यहाँ ज्यादा टिपिकल आप अगर नीचे देखें तो मायोसिन इज सिंपली लाइक अ कोबरा स्नेक। अगर आपने कोबरा स्नेक को देख रखा है तो मायोसिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसा है। जबकि अगर आप एक्टिन को देखेंगे तो एक्टिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकलिटी वाला है। ऑलराइट, अब अगर हम लोग बात करें एक्टिन की, तो एक्टिन में फर्दर सब पार्ट्स भी होते हैं। कई ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, फिर कैल्शियम आयन के लिए स्पेशल चैनल्स होते हैं। तो इसमें चूंकि सब पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस एक्टिन प्रोटीन। जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमने साइड में आपको इनलिस्ट कर दिए हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी ये साइड की जो चीजें लिखी हुई हैं एटलीस्ट आपको नीट एग्जाम से पहले इतना याद होना चाहिए। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस द एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन अगर आप स्ट्रक्चर देखो बेटा, तो एक्टिन क्या है, एक तरीके के प्रोटीन है जिसमें तीन सब यूनिट्स हैं, तीन पार्ट है, लाइक ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफ एक्टिन। ऑलराइट, और ये एक यू कैन से रिबन के फॉर्म में एक दूसरे से रैप रहता है। अब अगर ये आपको ना समझ में आए तो लेट्स हैव दिस वन। सपोज करिए ये एक सीधी सी चेन है। ऑलराइट, ये एफ एक्टिन है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो एफ एक्टिन एक दूसरे से जुड़ के पूरा इन्होंने क्या बनाया है, बेसिकली आपका एक पतली सी बेस थ्रेड बनाई है। इसके ऊपर क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं, इस तरीके से कुछ रैपिंग हो जाती है। लेट्स लुक इनटू दिस रैपिंग। अब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक्टिन प्रोटीन्स बनते हैं। अगर इस तरीके से चीजें रैप हो जाएं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इस तरीके से चीजें रैप हो जाएं, दूसरा वाला प्रोटीन इसके ऊपर ऐसे रैप हो जाए, दिस इज बेसिकली ट्रोपोनिन, ओके, ट्रोपोमायोसिन। फाइन, तो ये जो बेस है, ये जो सीधी लाइन है, ये आपका यहाँ पे बुक में एफ एक्टिन के नाम से डिनोट की गई है, जिसमें एक यूनिट आपका जी एक्टिन है। मतलब एक दीवार बनाना है, मेरे को एक बेस चाहिए, तो एक ईटा जो है उसका एक जो यूनिट है दैट इज जी एक्टिन, जो बहुत सारे जुड़ के एक एफ एक्टिन जैसा बेस बनाता है, रॉड बेस। इसके ऊपर इस तरीके से ये रिबन के फॉर्म में ऐसे इनसर्कल हो जाता है। दिस इज बेसिकली व्हाट योर ट्रोपोमायोसिन। आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके से इनसर्कल हो गया है पूरे एफ एक्टिन के ऊपर। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज बेसिकली ट्रोपोमायोसिन, जो आपको ये रिबन दिख रहा है ग्रे कलर का डेकोरेटिव पीस। बात समझ में आई आपको? अब इसके बाद आपके ट्रोपोनिन का क्या काम है, तो ये जो मैं आपको कलर्ड चीजें दिखा रही हूँ, जो कलर्ड बैंड दिखा रही हूँ येलो कलर के स्टिकी नोट से, दिस इज बेसिकली डिपिक्टिंग योर ट्रोपोनिन अरेंजमेंट। देखिए ये 3D स्ट्रक्चर होता है, इसलिए लोगों के लिए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेट्स फर्स्ट इमेजिन, तो आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम किस तरीके से चलता है। ये रहा हमारा इफेक्टिव, जिसके ऊपर हमने ऐसे करके ट्रोपोमायोसिन की एक थ्रेड लगा रखी है। अब जगह जगह पर क्या होता है, ये इस तरीके से जगह जगह पर क्या है, ट्रोपोनिन के ऐसे मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं। जरूरी नहीं है कि एक डायरेक्शन में चिपके हो सकता है एक आगे की तरफ चिपका हो, एक पीछे की तरफ चिपका हो। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस इज कि ये जब एक्टिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है ना, तो ये इस तरीके से घुमा हुआ रहता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। जब ये एक्टिवेट होता है तो इसके ऊपर कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं। जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये जो आपका ट्रोपोनिन का ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, जो आप यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे भी एक निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, ये स्टिकी एंड्स क्या करते हैं, ये स्टिकी एंड्स बेसिकली क्या करते हैं, कैल्शियम मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर चिपका लेते हैं। इस तरीके से कैल्शियम मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर चिपका लेते हैं, इससे होता क्या है, कैल्शियम इसके कॉन्ट्रैक्ट में आते ही इसको क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट करा देता है।
और कॉन्ट्रैक्ट करेगी कोई चीज तो डेफिनेट सी बात है उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। फाइन, फिर से समझ लीजिए, ये जो पेन बेस बना रहा है, इस रॉड का बेस बना रहा है, दिस इज बेसिकली योर एफ एक्टिन और जी एक्टिन, ठीक। इसके ऊपर ये जो आप रिबन देख रहे हो, दिस इज बेसिकली ट्रोपोमायोसिन, और आप ये जो बीच बीच में कई जगह पे छोटे छोटे येलो पेपर देख रहे हो ना, दिस इज ट्रोपोनिन प्रोटीन, जो कि कैल्शियम बाइंडिंग साइट रहता है। आपको पता होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कैल्शियम इससे चिपकता है तभी ये जो लाइट चेन मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, बेसिकली एक हैवी से हैवी चेन मॉलिक्यूल, सपोज करिए ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, ये कैल्शियम और ये ट्रोपोनिन मिलके इस मायोसिन को अपने अंदर घसीटते हैं तो ये इसके अंदर छुप जाता है। फिर से देखिएगा, फिर से देख लीजिए एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल इस तरीके से निकला हुआ है, इसने अपने ऊपर कैल्शियम चिपका लिया, आफ्टर एक्टिवेशन एक्टिवेट हो गया ये पूरा, ये आपका हैवी चेन है। व्हाट हैपेंड, हैवी चेन मायोसिन का ऐसे लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम और ट्रोपोनिन इसको अट्रैक्ट करके इसको अपने ऊपर चिपकाता है और इसको अपने ऊपर ऐसे स्लाइड करा देता है। जब ये इस तरीके से स्लाइड करता है तो आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड डेफिनेटली द मसल्स शॉर्टन अप। तो ये तरीका होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। आई होप आपको इतने में समझ आ गया हो, अगर ना आया हो तो यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, वी आर वेरी हैप्पी टू सी योर डाउट्स एंड आंसर द दैट्स इन इट। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि बेसिकली जो एफेक्टिन पॉलीमर आप देख रहे हो ना, ये जो पेन बेस का आपने पॉलीमर देखा, इसमें एक यूनिट जो लगती है दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर एक्टिन, है ना। जैसे एक दीवार मुझे बनानी है बेस में तो एक एक ईटा जो लगेगा दैट इज बेसिकली ग्लोबुलर एक्टिन। अब इसके आगे बात करते हैं, इसमें दो अदर प्रोटीन भी होते हैं लाइक ट्रोपोमायोसिन, जो कि पूरी तरीके से एफेक्टिन को सराउंड किए हुए रिबन की तरह चलता है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन, जो कि कुछ कुछ इंटरवल पे कुछ कुछ जगह की दूरी पे लगा रहता है ताकि वहां पे कैल्शियम चिपक पाए और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी करवा पाए। ऑलराइट, अब इसके आगे बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी गई है दैट ट्रोपोनिन बेसिकली मास्क द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन, जहां कैल्शियम चिपकेगा वहीं हैवी चेन चिपकता है। तो इन अ नटशेल ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम और हैवी चेन यानी मायोसिन की चिपकने की जगह होती है, जब ये खुलता है एक्टिवेट होता है तो वहीं पे उनका कैल्शियम और हैवी चेन चिपकता है, खींचता है उसको। ऑलराइट, अब इसके आगे बात करते हैं। ईच मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट, जिसके हम लोग छोटे यूनिट्स को बोलते हैं मीरो मायोसिन। जैसे कि एफ एक्टिन एक बड़ा सा चेन है तो उसके छोटे से ब्लॉक को क्या बोलते हैं, जी एक्टिन। उसी तरीके से मायोसिन का एक छोटा सा यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड मीरो मायोसिन। इसको हम लोग बात करते हैं, दिस इज बेसिकली क्रॉस आर्म इन अपियरेंस। क्रॉस आर्म का मतलब क्या होता है, कोबरा की तरह, भाई ये ऐसे है, ये ऐसे अगर उठ जाए तो दिस इज योर क्रॉस आर्म। फाइन, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मीरोमायोसिन है इसमें एक उठी हुई पार्ट है, दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस आर्म। इसका हेड होता है जहां पे दो साइट होता है एक्टिन के चिपकने के लिए, भाई जहां ट्रोपोनिन उसको चिपकाएगा कैल्शियम से तो वहां पे एक्टिन ही तो है, ट्रोपोनिन इज अ पार्ट ऑफ एक्टिन, तो वहां पे क्या होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। और साथ में सीधी सी बात है, अगर आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो यू नीड एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी टू गेट दैट मसल कॉन्ट्रैक्टेड, तो वो जो एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली फ्रॉम द एटीपी। तो जो एटीपी होता है वो चिपकता है ऐसे करके, ऐसे निकला रहता है आपका मायोसिन, तो आगे वाले दोनों साइड पे एक्टिन चिपकता है, पीछे दो एटीपी लगता है, और जैसे ही एटीपी खर्च होता है इसको एक्टिन खींच लेता है और स्लाइड करवा देता है अपने ऊपर। दिस इज बेसिकली इन अ नटशेल अबाउट योर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अभी हम लोग और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो बहुत ध्यान से देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक मसल में, ये पेज आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली लिसन दिस फैक्ट वेरी क्लियरली, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट हैपन, एक न्यूरॉनिक नर्व सेल में जब मान लीजिए यहाँ पे किसी तरीके का कोई स्ट्यूमुलस आया, है ना, सपोज करिए कि ये कॉफी है, बहुत गर्म कॉफी है, मैं नहीं देख रही, मैं इधर देख रही हूँ, गलती से मेरा हाथ इसमें पड़ गया। अगर गलती से मेरा हाथ इसमें पड़ा तो मैं इधर देख रही हूँ लेकिन अपने आप मेरा हाथ वहां से हट जाएगा, मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और अपने हाथ को वहां से हटा लेगी। हाउ दिस ऑल हैपन, ये जर्की मूवमेंट, ये रिफ्लेक्स कैसे आया हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या होता है, हीट का, कोल्ड का, इलेक्ट्रिसिटी का, किसी भी चीज का स्ट्यूमुलस होता है ना, कोई भी चीज आपको स्ट्यूमुलेट करती है नर्व एंडिंग को, जब वो स्ट्यूमुलेट करती है तो वहां पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्यूमुलस के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में आता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है, पूरे न्यूरोन के थ्रू ट्रेवल करके जाता है न्यूरोन के एंड पे, ठीक है, न्यूरोन के एंड पे जब जाता है तो यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ कैल्शियम चैनल्स हैं। ऑलराइट, जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल अपने एंड पे पहुंचता है, मतलब ये जो आपका सिग्नल है ये करंट का एंड पे पहुंचता है, तुरंत बाहर से कैल्शियम को अंदर खींच लिया जाता है, जितना भी कैल्शियम बाहर पड़ा हुआ है उसको अंदर खींच लिया जाता है। नाउ कैल्शियम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैल्शियम की जब कॉन्सेंट्रेशन न्यूरोन के अंदर एक्सॉन में बढ़ती है ना, तो व्हाट इट डू,
इट बेसिकली रिलीजेस दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? आई नो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बस कुछ सिग्नलिंग का काम करते हैं, बट विच काइंड ऑफ सिग्नल्स? ये बात हम लोग बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे इतने से हाथ में एक न्यूरोन है, यहाँ पे मेरा दूसरा न्यूरोन है, ये जो गैप है दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्स। तो इस गैप को इलेक्ट्रिसिटी तेजी से पास होनी चाहिए, बात समझ रहे हो भाई? दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो जल्दी पास हो नहीं पाएगी। वाई? बिकॉज इंसुलेशन है यहाँ पे, गैप है यहाँ पे। तो इसके लिए बॉडी क्या करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फ्लो नहीं करवाती है, क्या करती है, यहाँ पे कुछ केमिकल बनाएगी और इस केमिकल को रिलीज कर देगी दूसरे पे, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, ये मान लीजिए एक छोटा सा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, सपोज करिए ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है जो इस न्यूरॉन में प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज हो जाएगा जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा, और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जब यहां से रिलीज होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी तो चूंकि इस गैप में जा नहीं सकती, साइनेप्स के गैप में जा नहीं सकती, सो व्हाट हैपन, इस साइनेप्स के गैप में अगर न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा तो क्या करेगा, ये वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये तुरंत वेसिकल जाके दूसरे वाले न्यूरॉन से फ्यूज कर जाएगा, और ये फ्यूज होते ही अपना पूरा केमिकल इधर वाले न्यूरॉन में रिलीज कर देगा। मतलब एक तरीके का ये लेटर बॉक्स सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पे कोई एक मैसेज लिखा गया जिसको पैक करके इसके मेम्ब्रेन तक लाया गया और दूसरे वाले मेम्ब्रेन तक पहुंचाया गया। जब ये दूसरे मेम्ब्रेन पे पहुंचेगी तो ये अपना केमिकल अंदर रिलीज कर देगी और दूसरे वाले न्यूरॉन को उसी तरीके से स्टिमुलेट कर देगी। दीज आर बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेजेस या सिग्नल कैरी करने का काम करते हैं, एंड दे मेक आर प्रोसेस ऑफ न्यूरोनल सिग्नलिंग वेरी वेरी इजी। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम बढ़ा, कैल्शियम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वेसिकल्स जो है जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलीन भरा हुआ है, ACH का फुल फॉर्म होता है एसिटाइल कोलीन, मैक्सिमम ऑफ द न्यूरॉन्स में यही न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये यहाँ पे रिलीज हुआ। रिलीज हुआ तो ध्यान से देखिए भाई, सीधी सी बात है, अगर ये वेसिकल रिलीज हुआ है तो ये यहाँ पे फ्यूज तभी होगा जब इसके रिसेप्टर को कोई कोई आके लेगा। हम एक नए शहर में गए, एयरपोर्ट पे जाके खड़े हैं कि जो हम जिस रिश्तेदार के पास गए वो एक बार आके मिल तो ले, अगर वही नहीं मिलेगा तो हो सकता है हम शहर ना घूमें। ऑलराइट, इसी तरीके से यहाँ पे रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक रिसेप्टर होगा, इससे ये फ्यूज करेगा और अपना पूरा केमिकल जो एक्शन पोटेंशियल ऊपर बना रहा था वो नीचे रिलीज कर देगा, और उससे क्या है, दूसरी वाली न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाएगी या दूसरा वाला मसल भी स्टिमुलेट हो सकता है। दिस काइंड ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन इज बेसिकली नोन एज मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हम लोग अभी आगे बात करेंगे आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उसमें भी ये चीज बहुत काम आएगी। NMJ का फुल फॉर्म होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब एक न्यूरॉन किस तरीके से एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसीलिए अगर आप लोग ध्यान दें, जिनको पैरालिसिस होती है उनके न्यूरॉन्स खराब होते हैं, मसल खराब नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने मसल से काम नहीं करा सकते। सपोज करिए मेरे बॉडी के हाफ साइड, मतलब लेफ्ट साइड में मेरे को पैरालिसिस हो गई है, मैं सोच सकती हूँ कि मेरा हाथ उठे, बट मेरे न्यूरॉन्स खराब है, न्यूरॉन्स खराब है तो वो मसल को स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मसल को अगर वो स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सोचने को आप कुछ भी पुलाव खिचड़ी बना ले अपने दिमाग में। ऑलराइट, तो इस तरीके से पैरालिसिस एक्ट करती है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, लेट्स मूव टू दिस वन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके लेवल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसिटाइल कोलीन, है ना? तो ये बेसिकली, अच्छा बहुत लोग कहते हैं कि अल्कोहल वगैरह पीने से आपके बॉडी में एक स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो आपको हैप्पीनेस देता है या एंगर देता है। एग्जैक्टली, ये शराब के फायदे नहीं है कि आप लोग कहें कि मैम ये तो बहुत अच्छी बात है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, हम शराब पिएंगे। तो बेटा ये भी है कि तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल लूज होता है, पता चला नाले में पैर घुसाते हुए चल रहे हैं आप लोग, है ना? तो सेरोटोनिन का इतना ज्यादा यूज नहीं है कि आप उसके लिए अल्कोहल का कंजम्पशन करें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट हैपन, जैसे मैंने आपको समझाया था कि दिस इज द एक्टिन फिलामेंट जिसके नीचे होता है मायोसिन, फाइन। क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक्टिन अपनी लेंथ पे रहती है, मायोसिन अपनी लेंथ पे रहती है। व्हाट हैपन जब कोई चीज एक्टिवेटेड रहती है, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज करिए फिर से एक बार देखते हैं इसको, हम लोग जो इस पे पढ़ रहे थे, लेट्स लुक इनटू दिस वन। ये मेरा एफ एक्टिन था, ग्लोबुलर एक्टिन, जिसके ऊपर इस तरीके से ये मेरा ट्रोपोमायोसिन था जो कि एक बेस प्रोवाइड कर रहा था। इसके ऊपर ये ट्रोपोनिन प्रोटीन जगह जगह पर लगे हुए थे, फाइन। ये इस जगह पर, यहाँ पर ट्रोपोनिन प्रोटीन लगे हुए थे जो क्या करते हैं, कैल्शियम को पकड़ते हैं और कैल्शियम को अपने ऊपर चिपकाते हैं। फिर कैल्शियम का क्या काम है, कैल्शियम का काम क्या है कि ये जो क्रॉस आर्म बन रहा हैवी, अब ध्यान से समझिएगा पूरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, एक बार में समझा रही हूँ। ये मेरा एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिवेट होने पे इसने अपने ऊपर कैल्शियम चिपका लिया। दिस पिंक कलर इज डिनोटिंग योर कैल्शियम एंड दिस येलो कलर इज डिपिक्टिंग योर ट्रोपोनिन प्रोटीन, ठीक है? कैल्शियम चिपका लिया उसने, यहाँ पे भी मान लीजिए एक और है, इसने भी अपने ऊपर कैल्शियम चिपका रखा है, रेगुलर इंटरवल्स पे है। ये मेरा मायोसिन प्रोटीन है,
मायोसिन पे क्या होगा, जैसे ही ये एक्टिवेट होगा ये जाके एक्टिन से बाइंड करेगा कैल्शियम की हेल्प से, इस तरीके से ये बाइंड किया, एटीपी चिपका मेरे हाथ पे, और एटीपी चिपकते ही क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसमें मेरा ये मायोसिन इसके ऊपर स्लाइड कर गया। देख रहे हो यहाँ पे लाइट चेन है, यहाँ पे डार्क चेन है, पर जैसे ही इसके ऊपर चिपका ये उसके ऊपर स्लाइड कर गया, स्लाइड कर गया तो क्या हुआ, मसल की लेंथ छोटी हो गई भाई, पहले एक यहाँ था दूसरा यहाँ था, अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया या इसके ऊपर ये स्लाइड किया तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया। इस वजह से जो है एच जोन गायब हो जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और इसी वजह से कहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में उसकी लेंथ छोटी होती है। ठीक है, तो एक बार इसी को देखते हैं, व्हाट हैपेंड, देखिए यहाँ पे एटीपी लगा, एटीपी को जब आप तोड़ेंगे, जब एटीपी हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो भाई एक फॉस्फेट उसमें से निकल जाता है, एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडीपी, दैट इज एडेनिन डाइफॉस्फेट, राइट। यहां से जब ये चीज आई, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस वन, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये एक्टिन था, ये मायोसिन था, मायोसिन आके एक्टिन पे चिपका, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, एटीपी इस पे चिपकी। सपोज करिए मैं एटीपी को किसी और कलर से डिनोट कर देती हूँ, लेट्स यूज ग्रीन कलर, मैं ग्रीन कलर यूज करती हूँ, ये क्रॉस ब्रिज बना, यहाँ पे एटीपी चिपकी, एटीपी चिपकी तो क्या हुआ, ये क्रॉस ब्रिज तुरंत कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और इस एटीपी को तोड़ के निकाल दिया। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये एटीपी किसमें टूट गई, एडीपी प्लस पीआई में, ये आपका ग्रीन कलर नीचे टूट गया, एटीपी टूट गई और मसल क्या की कॉन्ट्रैक्ट कर गई, फिर अब दोबारा एटीपी लगेगी तब ये मसल वापस से अपनी लोकेशन पे जाएगी। दिस इज बेसिकली योर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि पहले क्रॉस ब्रिज बना, देयर इज फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फिर क्या हुआ, एक्टिन ने मायोसिन को अपनी तरफ खींचा, खींचा तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद दोबारा एक एटीपी यूज आई जो इन दोनों के अटैचमेंट को छुड़वाएगी और फिर नई साइकिल चलेगी। दिस इज बेसिकली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स एम्स और नीट में पूछा जाता है और ये हर दूसरे साल रिपीट होता है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड का क्या होता है, ए बैंड का क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने पढ़ा था आई बैंड का मतलब क्या होता है, आई बैंड क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस का मतलब है एटीपी का टूटना एडीपी प्लस पीआई में। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा गया है कि जब ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम से अटैच होता है तो वो मायोसिन को अटैच करता है, मायोसिन क्या करता है फिर एटीपी को अटैच करके उसको यूज करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्टिन के पास आता है, एंड दिस इज नोन एज बेसिकली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब एक्टिन जो है, ए बैंड क्या था, आई बैंड क्या था, जेड बैंड क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। आई बैंड इज आइसोट्रोपिक बैंड, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन का है। जैसे आप अगर ऊपर की बात करें, लेट्स हैव दिस लुक, देखिए आई बैंड यहां आप देख रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन, एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइट चेन प्रोटीन है। ए बैंड क्या है, जहां पे हैवी चेन है भाई, डार्क दिख रहा है मेरे को माइक्रोस्कोप के नीचे, क्यों, क्योंकि वहां पे मायोसिन प्रेजेंट है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। एच जोन क्या है, इनके बीच में, जब मायोसिन इसके ऊपर, एक्टिन आके इसके ऊपर चिपक जाएगा, सीधी सी बात है भाई, ये पहले मायोसिन था, ये एच जोन था जहां पे एक्टिन नहीं आ पा रहा था, अब क्या है, ये स्लाइड किया, एक्टिन तो पूरी तरीके से ओवरलैप कर दिया ना, ओवरलैप कर दिया, एच जोन गायब। ऑलराइट, ए बैंड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं भाई, मायोसिन की लेंथ तो उतनी की उतनी ही रह गई, एक्टिन की छोटी हुई है ना, ये मायोसिन है, इतना पहले मैं एक्टिन मानती थी, अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, एक्टिन ऐसे छोटा हो गया, एक्टिन की छोटी हुई है। दैट्स व्हाई यहां पे लिखा गया है बेसिकली कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड डिक्रीजेस इन साइज वेयर एज ए बैंड रिमेंस द सेम, ए बैंड सेम रह जाएगी, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पेज हमने बात कर ली, ये देखिए यही चीज यहाँ पे समझाई गई है कि रिलैक्स स्टेट में मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, एच जोन भी है, आई बैंड है, ए बैंड है, ए बैंड बेसिकली मायोसिन की वजह से होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी तो धीरे 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 पूरा जो ए जोन है वो एक्टिन, ये जो ऊपर वाली पतली सी लाइन है, दिस इज योर एक्टिन, तो एक्टिन क्या कर रहा है, पूरा का पूरा मायोसिन को कवर कर ले रहा है, तो ये जो आई बैंड है देखो नीचे गायब हो गया है, आई बैंड बचा ही नहीं है, एच जोन देखो, एच जोन भी नीचे पूरा गायब हो गया है, एच जोन भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ ए बैंड पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कैल्शियम आयंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्ट्रैक्शन, ये हम सबको पता है कि भाई मसल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तभी तो जाके ट्रोपोनिन से चिपकेगा, अचानक से भगवान का वरदान तो मिला नहीं है, नहीं नहीं अब मेरे हाथ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है तो पहले कैल्शियम आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम हमारे सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत रिजर्वायर में भरा रहता है, जब स्ट्यूमुलस आता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तभी वो वहां से रिलीज होता है और ट्रोपोनिन पे जाके चिपक जाता है, दिस इज द मैकेनिज्म दैट व्हाई द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, बेटा इसमें दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, आपके एनसीईआरटी में बहुत ऐसे अजीब तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक आउट ऑफ एनसीईआरटी की भी बना के दे देती हूँ। रेड फाइबर एक होता है, एक होता है व्हाइट फाइबर। अब जैसे आप लोग जितने भी नॉन वेज होंगे उनको पता होगा कि एक होता है रेड मीट जो कि बहुत कॉस्टली मिलता है ना, रेड मीट की अगर आप कमर्शियल वैल्यू देखें तो इट इज मोर कॉस्टली देन द व्हाइट मीट। व्हाई?
रेड मीट में क्या है, मायोग्लोबिन पिगमेंट ज्यादा होता है. व्हाट इज मायोग्लोबिन? जिस तरीके से आपका हीमोग्लोबिन है ना, सेम उसी तरीके से मायोग्लोबिन मसल में होता है. हीमोग्लोबिन मेरे ब्लड में है, आपके ब्लड में है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और रेड कलर का अपीयरेंस देता है हमारे आरबीसी को. सेम उसी तरीके से इन दी मसल्स जो ऑक्सीजन स्टोरेज, ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, दैट इज मायोग्लोबिन. तो जिस भी मसल में ये मायोग्लोबिन का पिगमेंट ज्यादा होगा, दैट विल अपियर रेड. ऑलराइट, तो रेड फाइबर या रेड मीट का क्या मतलब होता है? रेड मीट का मतलब होता है ऐसे मसल फाइबर जिसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होगा. तो न्यूट्रिशनली ये व्हाइट फाइबर से ज्यादा हेल्दी होंगे. ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता है. भाई सीधी सी बात है, एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है ना, हम क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा वही तो ऑक्सीजन यूज कर पाएगा, वही तो एनर्जी बनाएगी. दैट्स व्हाई देयर देयर इज अ इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रिया दैट विल हैव एरोबिक रेस्पिरेशन. यही चीज यहाँ पे लिखी गई है. अब ये तीनों पॉइंट्स क्वेश्चन के फॉर्म में अलग अलग तरीके से एआर में पूछे जाते हैं कि रेड फाइबर इज वाई मोर पावरफुल देन व्हाइट फाइबर बिकॉज इट इज हैविंग मोर मायोग्लोबिन एंड मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ये ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए. बहुत सीधी सी बात है. मैं ये तो नहीं कहती आपको कि आप मुझसे एक दिन पढ़ेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. आप एक दिन के 24 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा. तो यूट्यूब पे जितने कंटेंट चलते रहते हैं ना, सिलेक्शन इन लास्ट 3 मंथ, सिलेक्शन इन लास्ट 2 डेज, 1 डेज, ये पढ़ लो नीट में 720 में 720, ये सब फालतू के कंटेंट है. क्यों? मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है. अब ये चीज बायोलॉजिकली भी यहाँ पे प्रूवन है. रेड फाइबर में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, रेड फाइबर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, रेड फाइबर में एरोबिक रेस्पिरेशन भी सबसे ज्यादा होता है. बट ये टाइम टेकिंग है. सीधी सी बात है, अगर आप में सच्चाई है तो आपको कामयाबी तक पहुंचने के लिए समय तो लगेगा ही लगेगा. अगर आप उसके कंपैरिजन में व्हाइट फाइबर की बात करें तो व्हाइट फाइबर में मायोग्लोबिन कम होता है. वैसे भी मायोग्लोबिन इज व्हाट, बेसिकली एन एनालॉग ऑफ हीमोग्लोबिन. जिस तरीके से ब्लड में मेरे हीमोग्लोबिन है, मसल में मेरे मायोग्लोबिन है, दोनों रेड क्यों अपियर कर रहे हैं? ड्यू टू आयरन. भाई हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में आयरन होता है तो वो रेड अपियर करता है. उसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, पावर हाउस ऑफ द सेल. तो अगर किसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, मायोग्लोबिन भी कम है, तो व्हाट विल हैपन, वो किस में चला जाएगा? एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक का मतलब बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनाना चालू करो. और हम सबको पता है कि शॉर्टकट लेने से ही इंसान डिस्ट्रॉय होता है. जो लोग ये यूट्यूब पे देखते हैं कि भाई लास्ट 2 महीने में भी नीट क्रैक किया जा सकता है और इस मोटिवेशन में आ जाते हैं कि मई में पेपर है मार्च से पढ़ेंगे, उनका कुछ नहीं होता है. ठीक है, हमेशा मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. व्हाइट फाइबर्स में प्रोसेस तो बहुत जल्दी होता है. एनारोबिक का क्या है भाई, यहाँ तुरंत के तुरंत एनारोबिक में आपने 10 ग्राम जलाया, 500 किलो कैलोरी एनर्जी मिल गई. एरोबिक का क्या है, जलाने में आपको टाइम भी लगेगा, एनर्जी बहुत गुना ज्यादा मिलेगी, बट टाइम तो लगेगा ना. टाइम इज द की. यहाँ पे सब कुछ है लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है. व्हाइट रेड फाइबर्स यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी है लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें बेसिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो सीधी सी बात है, जहां मेहनत ज्यादा होती है वहां पे प्रोडक्शन और वहां पे बेसिकली रिजल्ट भी बहुत ज्यादा होता है. तो रेड फाइबर इसीलिए अगर आपने पढ़ा होगा तो जितने भी वॉरियर्स थे पहले, जो लोग बेसिकली नॉनवेज खाना स्टार्ट किए, उनकी अलग से ख्वाहिश होती थी रेड फाइबर खाने की. व्हाई? बिकॉज इसमें एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता था तो उनकी मसल बिल्डिंग बहुत ज्यादा होती थी. यही रीजन है रेड फाइबर्स को ज्यादा कंज्यूम करने का और कॉमर्शियली ज्यादा बनने का. ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का. फाइन, तो ये ही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको थकान होगी, फटीग लगेगा. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन यू आर जस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल्स. ऑलराइट, तो डेफिनेट सी बात है, जो चीज शॉर्टकट में मिलेगी उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा. अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, एक होते हैं मैराथन रनर्स, एक होते हैं बेसिकली शॉर्ट रनर्स. दो तरीके मतलब कैटेगरी होती है. एक होता है मैराथन रनर्स, जो भाई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मतलब बिल्कुल रनवे पे रहना रहता है. एक होता है 100 मीटर 200 मीटर की रेस. 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में क्या होता है, आपको एनर्जी तुरंत चाहिए, इंस्टेंटेनियसली चाहिए, मतलब अभी मुझे 5 मिनट के अंदर चाहिए. तो उतना बॉडी के पास टाइम नहीं है कि वो रेड फाइबर्स को एक्टिवेट करे फिर एनर्जी बनाए. तो क्या होता है, आपके पैरों की मसल में व्हाइट फाइबर एक्टिवेटेड हो जाता है. वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके बनाता है लैक्टिक एसिड. ठीक है, और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से ही पैरों में बहुत तेज दर्द होता है. क्यों? क्योंकि आपके मसल में जब तक लैक्टिक एसिड भरा रहेगा तब तक आपको पेन क्रैम्प फील होता रहेगा, ये इरिटेटेंट होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेड फाइबर में. जो मैराथन रनर्स होते हैं उनको पहले टाइम पे ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए कि अचानक से बस ऐसा है कि मुझे 200 मीटर दौड़ना है, सबसे तेज दौड़ के पहुंचो. नहीं, उनको लंबे टाइम के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो ऐसे लोगों में रेड फाइबर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है. तो ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ एथलेटिक्स, भाई कोई शॉर्ट रनर है 100 मीटर 200 मीटर बिल्कुल अभी के अभी एनर्जी चाहिए, तो उनमें व्हाइट फाइबर ज्यादा डेवलप होता है.
जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, मैराथन वाले हैं, उनमें रेड फाइबर ज्यादा डेवलप होता है। यही डिफरेंस होता है मैराथन रनर्स और शॉर्ट रनर्स में। तो उनके जो कोच होते हैं वो बेसिकली इसीलिए उनको कहते हैं कि आप रेड फाइबर ज्यादा ज्यादा खाइए, रीजन यही है उसका। ठीक है, अब ओके, तो वी हैव स्टडीड अबाउट द मसल स्ट्रक्चर्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप आप सबको इतना कुछ समझ में आ गया हो। अगर इन केस फिर भी कोई डाउट बचता है, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इस चैप्टर के जो मेरे नोट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एनसीईआरटी के बीच में भी अपने कुछ नोट्स लगा रखे हैं, एग्जैक्टली वही है जो मैं अपने प्रिपरेशन टाइम में यूज करती थी, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। यू कैन डाउनलोड इट देयर एंड यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।